दोस्तों आज अगर आप भी नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने से खुश हैं, उनके फैन हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहराया, तो कई बड़े बड़े भारतीय क्रिकेटर्स ने भी अब नीरज को सलाम करते हुए जो कहा सुनकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे। तो आखिर विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा, खुद सूर्या पांड्या और बुमराह ने कैसे दी भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को बधाई, उन सबके दिलों को छू लेने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतना चाहिए था या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा पेरिस में अपने प्रदर्शन को नहीं दोहरा सके और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। पाकिस्तान के नदीम ने अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 88.54 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज और नदीम के फाउल के साथ शुरुआत की थी, लेकिन पाकिस्तान के नदीम ने दूसरे प्रयास में ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। नीरज ने भी दूसरे प्रयास में अपने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन वो नदीम के आगे नहीं निकल सके। नीरज सिर्फ एक ही सफल प्रयास कर सके और उन्होंने 6 में से 5 फाउल किए, जबकि नदीम ने 6ठे प्रयास में 91.79 मीटर का थ्रो किया। और इस तरीके से नदीम अपने करियर में पहली बार 26 साल के नीरज चोपड़ा को हराने में कामयाब हुए और भारत के गोल्डन बॉय इस बार केवल सिल्वर मेडल ही जीत पाए, जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों को निराशा तो हुई लेकिन नीरज पर सबको गर्व है। वहीं पाकिस्तान में तो ऐसे जश्न मनाया गया जैसे उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। आखिर हो भी क्यों ना, 1992 के बाद पहली बार पाकिस्तान ओलंपिक में कोई मेडल जीत पाया है, लेकिन अब नीरज के लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है, करोड़ों हिंदुस्तानी उन्हें सलाम कर रहे हैं। यहां तक कि अब कई बड़े बड़े भारतीय क्रिकेटर्स ने भी नीरज चोपड़ा को बेहद खास अंदाज में बधाई दी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो खुद किंग विराट कोहली ने लिखा, नीरज ने अपना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा कर दिया है कि जब वो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीते तो भी 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई, यहाँ तक कि वो खुद हंस नहीं पाए, जबकि सिल्वर मेडल जीतना पूरी दुनिया का सपना होता है। सच में नीरज, हम आप हमेशा भारत के लिए गोल्डन बॉय ही रहेंगे, प्लीज ऐसे ही हंसते रहिए, करोड़ों अपने फैंस और युवा एथलीट्स को मोटिवेट करते रहिए, पूरे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। तो वहीं दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने की बहुत बहुत बधाई, आपकी लड़ाई की क्षमता और आपका पैशन आज भी पूरे हिंदुस्तान को प्रेरित कर रहा है। आपने एक बार दिखाया है फिर से कि अपने सपनों को अचीव करने की कोई भी लिमिट नहीं होती है, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के जरिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ नीरज। जी हाँ दोस्तों, अब तो रोहित और कोहली भी नीरज के फैन हो गए। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता फिर भी कोई खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें गोल्ड मेडल जीतना चाहिए था। मैं खुद कहूं तो मैं पर्सनली काफी नाराज था, कोई भी सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान से कोई गोल्डन मेडल प्लेयर जीत जाएगा। पहले तो मुझे लगा कि ये चीटिंग हुई है, लेकिन यही खेल है, आप हमेशा जीत नहीं सकते, लेकिन हार कर भी आप पूरे देश का दिल जीत सकते हैं। तो आज नीरज ने वही किया है। नीरज चोपड़ा खुद मेरी प्रेरणा बन चुके हैं, वो मुझसे छोटी उम्र के हैं, लेकिन उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। दोस्तों उनके साथ साथ अब सूर्य कुमार यादव ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए लिखा, वेल डन नीरज, सिल्वर मेडल ओलंपिक में आपकी मेहनत और हार्डवर्क का जीता जागता सबूत है। आपने सबको दिखा दिया है कि असली हीरो वही होता है जो अपने सामने आने वाली सभी चुनौतियों का डटकर सामना करता है, फिर भी टॉप पर पहुंचने की काबिलियत रखता है। आज पूरा देश आपकी सफलता को सेलिब्रेट कर रहा है। तो वहीं दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने भी नीरज को बधाई देते हुए कहा, नीरज चोपड़ा एक्सीलेंस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, बार बार समय आने पर उन्होंने अपनी ब्रिलियंस दिखाई है, उनकी वजह से भारत को ओलंपिक में एक और बड़ी सफलता मिली है, सिल्वर मेडल जीतने के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, वो आगे भी ऐसे करोड़ों अपने फैंस को और भविष्य में आने वाले एथलीट को प्रेरित करते रहेंगे। तो दोस्तों अब नीरज के सिल्वर जीतने पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।